अभी आप देख रहे हैं हरिद्वार में बारिश का विकराल रूप, काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश हुई है जिसके वजह से चारों ओर आपको जल भराव देखने को मिल रहा है। चलते हैं, ये आप देख रहे हैं हर की पैड़ी में कितनी ज़्यादा भोले हैं, करोड़ों की संख्या में आज भोले आए हुए हैं। हाय दोस्तों, हरे रंगे नमामि गंगे। अभी आप देख रहे हैं हरिद्वार में लगातार मूसलाधार बारिश के दृश्य, काफी ज्यादा डरा देने वाले दृश्य आज के बने हुए हैं। आप देखेंगे अभी हम आपको पूरी घाटों का दृश्य दिखाएंगे और कुछ ऐसे यहां की लोकल दृश्य दिखाएंगे जैसे कि आपने पहले ही देख रखा है। काफी तेज बारिश होने के बाद यहां का जो दृश्य है काफी ज्यादा डरा देने वाली है। ऐसे बारिश की वजह से जो दृश्य देखने को मिला है अभी हम आपको बताएंगे कि डरने वाली बात है कि नहीं है। ये आप देख रहे हैं कांवड़ यात्रियों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से, और अभी आप देख रहे हैं जो घाट देख रहे हैं आप, ये घाट महिला घाट है और पूरी तरह से हाउसफुल है। कहीं भी आपको जगह नहीं दिखाई देगा कि आप कुछ देर बैठ सके। बारिश कंटिन्यू हो रही है और भोलों की टोली भी लगातार यहां से जल लेके जा रही है। अभी हम खड़े हुए हैं मालवी घाट पे, जहाँ पे जल की धारा काफ़ी तेज होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे स्नान करना काफ़ी ज़्यादा खतरे भरा हो सकता है, लेकिन जल की धारा कम कर दिया गया है जिसके वजह से किसी प्रकार किसी को दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि ये हरिद्वार और ऋषिकेश में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये आप देख रहे हैं संपूर्ण हर की पैड़ी का दृश्य, यहाँ पर आप दृश्य देख के नज़र लगा सकते हैं कि कितने मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं। कांवड़ यात्री, भारी वर्षा होने के बाद भी श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, भोले लगातार जल लेके जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे नीचे घाट और घाट से आपको दृश्य दिखाएंगे। जी हम आ रहे हैं अपर रोड मार्केट से, और अपर रोड मार्केट से जैसे आपकी एंट्री होती है हर की पैड़ी में तो आपको इस तरह का दृश्य देखने को मिलता है, चाहे वो भीमगढ़ की ओर से आए या फिर अपर रोड मार्केट से आए या फिर आप आए मोती बाजार की ओर से। चारों ओर आपको ट्रैफिक जाम दिखने को मिलेगा, चाहे वो हाईवे हो, हाईवे में वन वे कर दिया गया है। आप अगर कार से आने की सोच रहे हैं और आप अगर आने की सोच रहे हैं ट्रेन से, तो आपको हर की पैड़ी रेलवे स्टेशन से पैदल आना होगा अगर आप आते हैं अपर रोड मार्केट से। अगर आप आएंगे ऋषिकेश बाईपास से तो लगभग आपको 300 मीटर से 400 मीटर चलना पड़ेगा, जो कि आप आसानी से चल सकते हैं। अभी एंट्री हो रही है हर की पैड़ी में, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। चारों ओर आपको भोले ही भोले जो कि कांवड़ लिए हैं, और अभी हम चलते हैं ये घाट के दूसरी ओर जा रहे हैं। हम प्रमुख घाट की ओर नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रमुख घाट की ओर नॉर्मल श्रद्धालु जाते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि नॉर्मल श्रद्धालु की संख्या अभी किस तरह से है। यह आप अभी देख रहे हैं ये जो दृश्य है ये कांवड़ यात्रियों का है, जहाँ पे आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे। और अभी हम आपको जहाँ पे नॉर्मल श्रद्धालु फैमिली वाले स्नान कर रहे हैं वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे। देख रहे हैं इसी ब्रिज से होके नीचे जाते हैं और इसी ब्रिज से होके डायरेक्ट ऋषिकेश बाईपास की ओर जाते हैं।
अभी आप देखेंगे कि किस तरह से श्रद्धालु है। ये जो घाट है ये है महिला घाट, हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड घाट, जहाँ पे श्रद्धालु की संख्या नहीं के बराबर दिखाई दे रहा होगा। ये है कांवड़ ट्रैक, जहाँ पे आपको श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ मूसलाधार बारिश होने के बाद अभी बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी जल भराव हो चुका है, संपूर्ण और जल ही जल अभी दिखाई दे रहे हैं। अभी आप हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं और फैमिली के साथ, तो अभी आप दृश्य देख कर नज़र लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। और ये दृश्य आपको 15 तारीख तक देखने को मिलेगा, क्योंकि 15 तारीख को शिवरात्रि है और उस दिन भगवान शिव में जल चढ़ने को है। जितने भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं सब जल लेके जा रहे हैं भगवान शिव में चढ़ाने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।